वहीं बीकानेर में 10 कोरोना मरीज सामने आने के बाद में खाजूवाला प्रशासन लापरवाही फिलहाल बरत रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन के नुमाइंदे खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और ना ही लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी को लेकर 3 घंटे के लिए बाजार खोला जाता है, लेकिन यहाँ भी लॉकडाउन धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। संक्रमण से बचने को लेकर यहां हर कोई एहतियात के तौर पर अपने घरों में नजर आ रहा है, लॉकडाउन की पालना की जा रही है। अगर बात करें तो खाजूवाला की यहां पे लॉकडाउन का कई जगहों पर उल्लंघन भी हो रहा है। प्रशासन की मौजूदगी के अंदर यहां सोशल डिस्टेंस की बिल्कुल पालना नहीं हो रही है। हालांकि जिला कलेक्टर एडवाइजरी जारी कर इस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने की लगातार हिदायत दे रहे हैं, लेकिन बात करें खाजूवाला के अंदर तो जहां 3 घंटे के लिए बाजार खुलता है 9 से 12 बजे तक, हालांकि यहां पे आपको इस सब्जी मंडी और इस सोसाइटी रोड पर जो गाड़ियां दिखाई दे रही है, जो सब्जी की रेहड़ी लगी हुई है, अनेक दुकानें इस समय खुली है, तहसीलदार और पुलिस की गाड़ियां भी यहां पे मार्च कर रही है, लेकिन बात करें तो सोशल डिस्टेंस बिल्कुल यहाँ पर पालना नहीं हो रही है। हालांकि SDM साहब हिदायत के तौर पर क्षेत्र के लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंस के अंदर यहाँ कोरोना जैसे संक्रमण बीमारी से लड़ने के लिए लोग घरों में रह रहे हैं। एक आपको बात बताना चाहता हूँ, बीकानेर जिले के अंदर 10 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जहाँ पूरे जिले के अंदर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम नजर बनाए, जिला प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र का दौरा करते हैं, पुलिस की नाकाबंदी अवश्य 3 ठिकानों पर लगी हुई है, राजीव सर्किल पर पुलिस तैनात है, लेकिन आने जाने वाले वाहनों को नहीं रोका जा रहा है। प्रशासन की तरफ से इन जो लॉकडाउन जो लगा हुआ है खाजूवाला के अंदर, ये आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पे बेधड़क गाड़ियां घूम रही है, बेधड़क यहाँ पे तहसीलदार की गाड़ियां भी आपको सामने से नजर आ रही है। जो ये गली दिख रही है यहाँ पर आने जाने वाले वाहनों का तांता लगा हुआ है। पिछले कई दिनों से जिस तरीके से लॉकडाउन की नज़रअंदाज किया जा रहा है, बड़ी बात यह कि सोशल डिस्टेंस की बिल्कुल ही पालना इस समय खाजूवाला क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें ये तहसीलदार विनोद बिश्नोई जो गाड़ी के अंदर यहाँ निश्चित रूप से घूम रहे हैं, लेकिन इनकी गाड़ी के बिल्कुल समीप जो दुकानें खुली है, जो सोशल डिस्टेंस की बिल्कुल पालना नहीं हो रही है। हालांकि सिर्फ घूम जरूर रहे हैं, लेकिन इनके पालना करवाने में अभी भी इस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर समय रहते खाजूवाला प्रशासन ने इस समय खाजूवाला प्रशासन की तरफ से जल्द ही एडवाइजरी जारी कर क्षेत्र के लोगों को जागरूक नहीं किया, वह सोशल डिस्टेंस की दूरी नहीं बनाई, तो यह घातक सिद्ध हो सकता है। A1 TV के लिए सुरेंद्र डेलू खाजूवाला।